रमोऽर्हन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पर अपनी चर्चा हो रही है। 100 प्रश्न अपने हो चुके हैं, अब प्रश्न नंबर 101 से अपन आगे बढ़ेंगे। इसके पूर्व पन्ने चारित्र की चर्चा की थी, चारित्र किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। सभी भेदों को पढ़ते हुए हम अंतिम चारित्र पर पहुंचे थे, कौन सा, यथाख्यात चारित्र। उसमें यह जीव संपूर्ण कषायों का अभाव कर देता है, पूर्ण वीतरागी हो जाता है और पूर्ण आनंद दशा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, सुख प्राप्त कर लेता है, पूर्ण सुखी हो जाता है। तो अब अगला प्रश्न उठा लिया प्रश्न नंबर 101 में, वह सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं। छह ढाला में वैसे पढ़ लिया होगा, तीसरी ढाल का पहला छंद, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किस में है, सुख प्राप्ति में है। और वह सुख कैसा होना चाहिए, आकुलताविन कहिए कि वह जो सुख है वह आकुलता के बिना होता है, आकुलता से रहित तो होता है, उसे ही वास्तव में सुख कहते हैं। अपना जितना भी सुख है जिसको हम सुख कहते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों का उपभोग करते हैं और उसको हम सुख मानते हैं। जैसे अभी गर्मी है और गर्मी के समय में हम सोचें कि पंखा चले अच्छा, और अब पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, तो ऐसा लगता पंखा चले तो मज़ा आ जाता है, सुखी हो जाते कि नहीं। और अब पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, तो कैसे हो गए, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हम इसको सुख और दुख की परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुख और दुख की परिभाषा नहीं है। क्योंकि पंखा चलने का नाम सुख होता तो ठंडे के समय में भी वही चलता है, फिर क्यों खराब लगता है। आदर्श पंखा चलने में मजा आता ना, गर्मी में चले तो उसमें से सुख झरता है, और ठंड में चले तो दुख झरता है उसमें से, क्या होता है। ये सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, ये तो भ्रम है, सुखाभास है। असली सुख क्या है उसकी परिभाषा अपन यहां से देखते हैं। उत्तर लिखा है यहां, निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। सुख की क्या परिभाषा आई, निराकुल आनंद स्वरूप। वही बात है, आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना, क्योंकि सबसे बड़ा दुख है आकुलता का। हम कोई भी काम करते हैं, थोड़ी देर में ही हमें आकुलता होने लग जाती है, लेट हो जाए तो आकुलता हो जाती है, कोई भी काम हमारा छूट जाए तो आकुलता होती है, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने की आकुलता होती है, हर जगह आकुलता बनी ही रहती है। और आकुलता जब तक बनी रहेगी तब तक दुख बना रहेगा, सुख होने वाला
नहीं है। इसलिए यहाँ कह दिया निराकुल आनंद स्वरूप। आनंद तो वही है जिसमें निराकुलता हो, आकुलता नहीं हो। ठीक है श्रेयस, क्या बोले, क्या हो? सुख किसे कहा? निराकुलता को। आकुलता हो उसे सुख नहीं कहा। ठीक है संभव, क्या बोले, निराकुलता हो उसमें सुख है और आकुलता हो उसको क्या कहेंगे, दुख कहेंगे। यहां पे भी यही कह दिया निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को, माने आत्मा का ऐसा परिणाम जिसमें निराकुलता हो आकुलता नहीं हो उसे ही सुख कहते हैं। ये सुख की परिभाषा होगी। अब हमें प्रयास करना है कि हमें निराकुलता उत्पन्न हो जाए। परिभाषा तो हो गई, लेकिन परिभाषा के साथ यदि हमें वास्तव में सुख प्राप्त करना है तो क्या करना है? संयम गांधी, निराकुलता होना चाहिए। यदि निराकुलता नहीं हुई तो फिर वो सुख नहीं कहलाएगा। हमें भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो सुखी हो गए, आकुलता खत्म। कहाँ खत्म आकुलता? दूसरी आकुलता शुरू हो जाएगी। एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। हम तो ऐसा चाहते हैं कि परमानेंट आकुलता समाप्त हो जाए, आकुलता बिल्कुल भी ना रहे, तभी हम सुखी माने जाएंगे। इसलिए हम उस सुख को प्राप्त करने का पूरी तरह से प्रयास करें जिसमें निराकुलता हो, आकुलता हो। ऐसा सुख वास्तव में सुखी नहीं है और उसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगली परिभाषा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 102, वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य माने होता है शक्ति, पावर, बल। तो वही प्रश्न पूछा है, वीर्य किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा आत्मा की शक्ति, शक्ति कहो, पावर अपनी इंग्लिश भाषा में पावर कहते हैं, अथवा सामर्थ्य कहो, बल कहो, कुछ भी किन्हीं भी शब्दों से कहो, उसको वीर्य कहते हैं। और हम सबके अंदर ऐसी शक्ति होती है। वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। वीर गुण है और उसकी पर्याय क्या है? पुरुषार्थ है। तो कैसा होता है पुरुषार्थ? जब आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अन्य ग्रंथों में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो वीर गुण है, वीर गुण की पर्याय को कहा पुरुषार्थ, उसमें ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि वह अनंत सुख को भोग सकता है, अनंत ज्ञान से संपूर्ण लोक को जान सकता है, अलोक को जान सकता है, अनंत दर्शन से समस्त लोकालोक का सामान्य अवलोकन कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य कहाँ से उत्पन्न होती है? वीर गुण से उत्पन्न होती है, अनंत वीर जिसे कहते हैं। यदि अनंत वीर नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो और हमारे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, अनंत सुख प्रकट हो जाए, तो हम भोग नहीं पाएंगे। यदि मान लो अभी के अभी सबको एक एक अरब रुपये मिल जाए, बोलो निर्वाण, कितने? एक अरब कम तो नहीं कह दिए? करोड़ तो इसलिए नहीं कहते कि आजकल तो कोई भी करोड़पति बन गया है। अभी यहाँ पे गन्ने की जूस की दुकान पे जाओ, उधर पूछो गन्ने का जूस, अब मान लो जो पीते, तो वहाँ गए उससे ही पूछो तो वही करोड़पति। कैसे करोड़पति? उसका इतनी सारी जमीन है, इतने स्क्वायर फीट है या इतने एकड़ है, तो करोड़पति है। अपने यहाँ भोजनालय में बनाने वाले जो काम करते थे पहले, उनसे जहाँ जरा पूछो, भले भले रहते हैं वो ऐसे ही से, लेकिन थोड़ा उनके जाके खेत देखो, जमीन देखो, तो पता चलता वे भी करोड़पति। बड़े बड़े शहरों में जिन जिन के मकान हैं खुद के, भी तो सारे करोड़पति ही हैं। और गांव गांव में भी बहुत लोग करोड़पति हो गए। इसलिए करोड़पति में तो कोई दम बची नहीं अब।
इसलिए अरब की बात करें अपन, अर्पित एक अरब रुपया मिल जाए अभी संभाल लोगे? 100 रुपया संभालना तो मुश्किल हो जाता है, कोई भी निपटा देता है, होता क्या नहीं कठिन? माने वो 1 अरब रुपए हो तो उसको संभालने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं होगी तो 1 अरब मिलके भी खतरा मोल ले लेंगे। अभी लोगों को पता चल जाए इनके पास इतने पैसा है तो तुरंत चोरी कर लेंगे, डाका डाल देंगे, गोली से उड़ा देंगे और पैसा ले जाएंगे सारा। तो हमारे अंदर है क्या सामर्थ्य संभालने की? सामर्थ्य भी तो चाहिए। कई लोग तो पागल हो जाते हैं पैसा देख के, कभी टीवी पे देखा हो बहुत ज़्यादा किसी के पास धन आ जाए तो हो नहाने लगता है, ऐसा 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 ऊपर ऊपर गहने इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, उधर फेंकेगा, पागल हो जाते हैं ऐसे कई लोग तो। क्यों? कभी देखा नहीं और एकदम मिला तो बहुत सारा पागल हो। तो उसके लिए वो भी सामर्थ्य चाहिए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमारे अंदर भी है, हम नहीं पहचान पा रहे अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी सामर्थ्य है कि हम अनंत सुख को भोग सकते हैं, लोक अलोक को जान सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य प्रत्येक जीव में है, उसको ही कहते हैं सामर्थ्य को ही, बल को ही, शक्ति को ही, उसको कहते हैं वीर्य, संयम। क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर जो है ना छोटी मोटी सामर्थ, एक को एक तमाचा मार दिया, दूसरे ने मार दिया, इधर उधर से कॉलर पकड़ ली, इधर उसको धक्का दिया, उधर गिर गए, ये सामर्थ में क्या दम है? क्या काम की ऐसी सामर्थ? ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर असली सामर्थ तो वीर गुण, जो ऐसा गुण कि जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है, पचा लेता है। देखो, लड़ने की सामर्थ, पीटने की भी सामर्थ होती है और पिटने की भी सामर्थ होती है, दोनों में से कौन सी अच्छी है? बोलो अभिषेक, सामर्थ कौन सी ज्यादा अच्छी? वैसे तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन पीटने से ज्यादा देखा जाए पिटने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। क्यों? हमने मान लो तलवारबाजी सीख ली या मुक्केबाजी सीख ली, मारना तो सीख लिया और पिटना नहीं सीखा अर्पित, तो तुमने 2-4 धमाधम मार दिए और उसने एक ही दिया और धड़ाम, क्या दम है? तो इतनी ये सामर्थ्य होना चाहिए कि 100 मुक्के भी लग जाए तो भी ज्यादा असर नहीं हो, ज्यादा तकलीफ नहीं हो। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा, पहले महाभारत आती थी बहुत पुरानी, 25 साल पहले, उस समय पूरे गांव गांव भर के देखते थे, एक टीवी रहती थी मोहल्ले में तो पूरे पूरे इकट्ठे आ जाते थे। और वो दुर्योधन का मुझे एक प्रसंग याद आता है बार बार, कि वो दुशासन से कहता था, जब युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होता था उसके पहले रात में वो ऐसा खड़ा हो जाता और दुशासन से कहता, ये गदा उठाओ और मारो मुझे, खूब खूब मारता था। फिर दूसरे से कहा, तुम भी मारो, खूब पिटता था। पीटने की प्रैक्टिस करना चाहिए, पिटने की क्यों की? क्योंकि मान लो सामने भीम आ जाएगा और भीम धमाधम मारेगा तो उतने पिटने की सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं तो हमने पीटने का तो पूरी प्रैक्टिस कर ली और पिटने की नहीं की, तो फिर तो हम 10-20 मान लो मार दिए और उसने एक ही मारा, एक ही मारने में पस्त हो जाएंगे। इसलिए दोनों ही सामर्थ्य चाहिए, ये तो अपन लोक व्यवहार की बता रहे हैं। बाकी सामर्थ्य तो ऐसी हो हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर ले, हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर ले, झेल ले। और यहाँ जो सामर्थ्य बता रहे हैं ऐसी सामर्थ्य कि जिसमें अनंत सुख भी समा जाए, अनंत ज्ञान दर्शन भी समा जाए, सब आ जाए, तब उन सबको भी अपनी सामर्थ्य से जान ले, देख ले, अनुभव कर ले। ऐसी सामर्थ्य अनंत वीर्य में होती है,
शक्ति होती है। तो वीर गुण की यहाँ पर परिभाषा बता दी। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 103, भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? सरल है एकदम, ये तो सुना ही होगा, भव्य जीव अभव्य जीव सुने हैं ना, वही है यहाँ। कौन होता है भव्य जीव? जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इन्होंने कहा। और हाँ, तत्प्रति प्रीति चित्तन, इसमें भी सुना है। चलो और प्रकट लिया हो नहीं, जिसने जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने की शक्ति हो, योग्यता हो, उसको कहते हैं भव्य। और जिसमें योग्यता नहीं हो उसको कहते हैं अभव्य। सामान्य भाव यही है। देखो यहां पर दिया है, जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता रहती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। ठीक है प्रियांश, कौन सी सामर्थ्य? भव्यत्व गुण तो कहते हैं, लेकिन सामर्थ्य क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की जिसमें योग्यता हो, उसे कहते हैं भव्य। संभव प्रताप क्या बोले? और प्रकट करने की योग्यता हो। तो कई लोग अलग अलग प्रकार से कहते रहते हैं। कोई कहता है जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो वह भव्य, ये भी सही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो वह भव्य, ये भी सही है। कई लोग इन तीनों को मिलाकर कह देते हैं रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता हो वह भव्य, ये भी सही है। मोक्ष प्रकट करने की योग्यता हो, मोक्ष जाने की योग्यता हो वह भव्य, ये भी सही है। ये सारी परिभाषाएं सही हैं, क्योंकि कुछ भी कहो, जाना तो उसको कहाँ है? मोक्ष जाना है। सम्यक दर्शन होगा तो भी मोक्ष, रत्नत्रय होगा तो भी मोक्ष, और मोक्ष तो मोक्ष है ही। तो ऐसे भी जीव संसार में हैं बहुत सारे कि जिनमें यह प्रकट करने की योग्यता होती है। कितने जीव हैं पता है? कितने? अनंत जीव हैं जो रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता रखते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता रखते हैं, मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। एबिलिटी अपन जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं। सौरभ क्या बोले? प्रकट करने की योग्यता उसे भव्य कहते हैं। योग्यता तो जानते हैं ना सब, कि वो भी कठिन है। हाँ, योग्यता, क्षमता है ना, जैसे कई लोगों में नहीं होता है 5 रोटी खाने की योग्यता, सामर्थ्य, किसी में 10 खाने की, किसी में 20 खाने की है ना, 15-17 जो भी। कई लोगों में रोटी खाने की योग्यता, कई लोगों में ऐसी योग्यता होती है कि एक बहुत बड़ा कुछ पत्थर उठा दें, बहुत भारी, कोई टेबल उठा दें, कोई बेंच उठा दें, ऐसा होता कि नहीं होता? अब जैसे संयम से कहें डाइस उठा दो तो मुश्किल हो जाए अकेले उठाना, और कोई और होगा जिनमें योग्यता होगी वो भी उठा देगा। तो यहां पर कौन सी योग्यता चाहिए? सम्यक दर्शन प्रकट करने वाली। और ऐसे अनंत जीव हैं जिनमें ऐसी योग्यता है, हम तुम जैसों में से अपन गारंटी तो किसी की नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी संभावित कहेंगे कि हम तो सभी भव्य ही हैं और सब में सम्यक दर्शनादि प्रकट करने की योग्यता है। ऐसा भी छंद आता है जो अभी से बता रहा था, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये न वार्ता पी ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वहां तो भव्य की परिभाषा बताई है कि भव्य कौन है,
कि जिसने आत्मा की बात अति प्रीति पूर्वक सुनी है, रुचि पूर्वक सुनी है, वह निश्चित रूप से भव्य है। और जिसको आत्मा की बात सुहाती नहीं है, आत्मा कहो तो भूत नजर आता है, ऐसे जीव भव्य होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मा की बात जिसको रुचती है, अच्छी लगती है, वह जीव कौन है? भव्य है। अब इसका उल्टा है अभव्यत्व। अगला प्रश्न है, अभव्यत्व किसे कहते हैं? इसका अपोजिट हो जाएगा सुजल, क्या हो जाएगा? कैसे? वो तो है भव्य, और जिनमें प्रकट करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है। बढ़िया, बैठ जाओ। जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने की योग्यता ही नहीं हो वो कहलाते हैं अभव्य। और ऐसे अभव्य जीव भी कितने हैं पता है? वे भी अनंत हैं। अभव्य जीव भी अनंत हैं कि जिनमें ये सम्यक दर्शनादि प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। कब तक नहीं है? कब से नहीं है? अनादि से नहीं है, और अनंत काल तक भी वह योग्यता आएगी ही नहीं। सदा काल अभव्य ही बने रहेंगे। तो इससे बात हमें विचार करना चाहिए कि वो जीव तो हैं लेकिन जीव होकर भी अभव्य हैं। इस संसार में हमेशा भटकते ही रहेंगे, कभी भी उनका मोक्ष नहीं होगा। ऐसी बात है, इसलिए हमें तो ऐसा जान के कि हम भव्य हैं और हमें तो ऐसा पुरुषार्थ करना ही है कि जल्दी मोक्ष चले जाएं, नहीं तो संसार में परिभ्रमण तो बहुत ही खतरनाक है। देखें अर्थ उत्तर पढ़ते हैं। जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। और एक और ले लेते हैं, 105 नंबर। जीवत्व गुण किसे कहते हैं? अपन सभी कौन हैं? जीव हैं। कैसे कह सकते हैं जीव हैं? जानने देखने की हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, जानते देख भी हैं, ज्ञान दर्शन का व्यापार भी चल रहा है, सब हो रहा है। उस ज्ञान दर्शन को एक शब्द में क्या कहते हैं? चैतन्य। ठीक है, तो यहां पर वही बता दो, जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र कहो, ज्ञान दर्शन मात्र कहो, चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अतिशय क्या बोल रहे हैं? क्या होता है उसमें? चैतन्य मात्र भाव रूप है। अपन वो भजन नहीं पड़ा, चैतन्य ही चैतन्य भासरयो प्रभु थारा ही रंगमा रंग गयो रे। तो चैतन्य ही चैतन्य जो भास रहा है ये क्या है? किसका लक्षण है? जीवत्व का लक्षण है। कि जहां ये चैतन्यपना नहीं है, चेतना नहीं है, वह जीव नहीं है। ठीक है, क्या बताया श्रेयस? जिसमें चैतन्यपना नहीं है वह जीव नहीं है, और जिसमें चैतन्यपना है वही जीव है। ठीक है अमित, क्लियर है, स्पष्ट है? तो हम सभी कौन हैं? जीव हैं। कैसे पता? चैतन्यपना है। अच्छा, वो चैतन्यपना किस रूप में प्रकट हो रहा है? जानने देखने रूप में प्रकट हो रहा है। किस रूप में? जानने देखने। ये जो जानना देखना चल रहा है ना, हम एक दूसरे को जान रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, तो ये जान रहे हैं इससे क्लियर हो जाता है कि चैतन्यपना हमारे अंदर है और हम चैतन्य गुण को धारण किए हुए हैं, इसलिए हम सभी जीव हैं। जीवत्वपना हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जीवत्व गुण की अपन ने यहां पर चर्चा की।
अब इसके बाद आगे प्राणों की चर्चा आने वाली है कि प्राण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे।